जब मैं अपने नूरे निगाह की कहानी के बारे में पता लगा रही थी, तब मैंने ये भी पता लगा लिया कि वो तलिस्मान का दूसरा टुकड़ा गुफा तक कैसे आएगा। जिसके गले में ये तलिस्मान है, वो खुद उसे लेकर आएगा। मुझे मेरे बच्चों के पास पहुंचा दो। अचानक ये कैसा एहसास हुआ था हमें? अरे तुम लोग क्यों चला रहे हो? और ये भूत और चुड़ैल जैसे क्यों बने हो तुम लोग? अरे बाबा, आप भूल गए क्या? ड्राइवर, यकीनन किसी ने आपको मारने की कोशिश की है। किसी ने नहीं बेजार, उसी ने। उस मरियम ने। हैरानी तो होती है मुझे अपनी बेवकूफी पर कि उसका हाथ पकड़ते हुए हम उसे पहचान क्यों नहीं पाए। और ताज्जुब इस बात का है कि उस नन्ही सी जान में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो हमें मारने यहां तक पहुंचाई। रहबर, यहां आपकी जान को खतरा है, आपको फौरन काबुल शाही के लिए रवाना हो जाना चाहिए। पर आप फिक्र मत कीजिए, उस शहजादी को मैं आपके कदमों में लाकर रख दूंगा, ये वायदा है मेरा। वादा किया है तो तोड़ना मत ये झूठ। पर एक बात बताओ, जो उसे पहचानोगे कैसे? बहुत आसान है रहबर, जो आपके बारे में तफ्तीश कर रही होगी वही शहजादी होगी। शाबाश, कभी कभार जब तुम ऐसी बात कर देते हो ना तो फक्र होता है मुझे तुम पर, और फिर तुम्हारे भाई की भी कमी हमें महसूस नहीं होती है। जाओ जाओ और उस मरियम को बालों से खींचकर घुटनों पर घसीट कर हमारे कदमों में लेकर आओ। सुनो, सब मेरी बात सुनो, किसी भी जिन कोई भी भूत की तरह तैयार हो जाना, लेकिन चार्ल्स शोर की तरह तैयार मत होना, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। सुनिए जनाब, यहाँ पर एक शख्स ठहरे हुए हैं जिनकी बड़ी मूंछें हैं, एक शाही पगड़ी और शाही लिबास पहना हुआ है। कहाँ ठहरे हैं वो? वो तो चले गए बीबी। हमने फिर से सत्ताम को मारने का मौका खो दिया। वो परवास से जा चुका है, लेकिन तू कहीं भी चला जाए सत्ताम, हम तेरी मौत बनकर तेरा पीछा करेंगे। क्या पूछ रही थी वो लड़की? जनाब, वो रहबर के बारे में पूछ रही थी। बहुत अच्छी खबर सुनाई है, ये रखो तुम्हारी बख्शीश। जनाब, क्या आपने ये सिक्का पहले कभी देखा है? नहीं।
भाईजान, इसे का पहले कभी देखा है? शहजादी तो यही लग रही है, पर ये क्या दिखाकर पूछताछ कर रही है? जनाब, क्या आप ये सिक्के के बारे में कुछ भी जानते हैं? जी नहीं बीवी, ये सिक्का तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। सुनिए बरखुरदार, आपने शाही सड़क पर किसी खूबसूरत लड़की को देखा है? मोहतरम, शाही सड़क पर सिर्फ आदमी नहीं, कई सारी लड़कियां भी रहती हैं। आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? वो बला की खूबसूरत लड़की है, उसके लंबे बाल हैं, तमीज से बात करती है और वो सबसे तहजीब से पेश आती है। ऐसी लड़की को शाही सड़क पर तो नहीं देखा, पर कहीं तो देखा। कहाँ? भाईजान, भाईजान, आज अबाइस की रात है, हमारी मिठाइयाँ तो दीजिए। अरे सुनिए, सुनिए, शहजादी शाही सड़क में नहीं है, तो कहीं वो मामूली गली में तो नहीं है? अगर मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया तो इसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं? अरे बच्चों संभल के, क्या क्या मटका तोड़ दिया? तो तू है शहजादी, इसे आज तक किसी ने नहीं देखा, उसे मैंने देख लिया है। पर तेरी जगह यहां नहीं है शहजादी मरियम, मेरे रहबर के कदमों में है। अब तुझे मैं यहां से घसीटते हुए अपने रहबर के कदमों में डाल दूंगा, अब तू मुझसे बच के नहीं जा पाएगी। दादी, जब मैं उस नदी के पास गया था तो जादू हुआ था, मैं नदी में गिर रहा था और मैंने अपने मन में सोचा कि मैं मेरे बच्चों के सामने आ जाऊं और दादी ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन दादी, वो जादू नदी के अलावा कहीं और नहीं होता। मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं मेरे बच्चों के पास जाना चाहता हूं। एक बार और, पोया को मेरे सामने लाओ। देखा दादी, कुछ भी नहीं हुआ। अगर जादू वाकई में है तो उस नदी के अलावा कहीं और क्यों नहीं होता? जादू वाकई में है भी या नहीं? जादू है और हर जगह पे है। दादी, अगर हर जगह होता तो कहीं और क्यों नहीं होता? मैं गलत था शायद, शायद जादू जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अब्बू की मौत के साथ जादू भी मर गया दादी। जादू कभी नहीं मरता, ये एक इंसान से
दूसरे इंसान के पास मुंतकिल होता है। तेरे साथ भी जादू हुआ है, उसने तुझे चुना है किसी बड़े मकसद के लिए। कौन सा मकसद दादी? 40 चोरों को खत्म करने के लिए। जैसे तेरे अबू ने किया था। दादी ने बोला था कि दरारे खला होगा, हो गया। उन्होंने कहा था कि 40 चोरों से मेरा सामना होगा और वो बात भी सच हुई। आज वो कह रही है कि मैं 40 चोरों का खात्मा करूंगा, तो क्या ये बात भी सच होगी? बिल्कुल सच होगी। तू खत्म करेगा 40 चोरों को, यही तेरी जिंदगी का मकसद है। आज अभ्यास की रात है, शैतानी ताकतें अपने शिखर पर होंगी। शायद आज ही तुझे अपने मकसद तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। आज वो जादूगर तलिस्मान के दूसरे टुकड़े को लेकर खुद ब खुद इस गुफा में आएगा, क्योंकि आज अभ्यास की रात है। जानते हो आज की रात को अभ्यास की रात क्यों कहते? क्योंकि आज तुम्हारे आका का जन्म हुआ था। आज ही खुदा के फरिश्ते ने तलिस्मान को पहनकर शैतानों के आका इब्लिस बना था। आज की रात बुरी ताकतें सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। दोनों तलिस्मान तो जिसमें एक जान है। आज की रात खून खून को पुकारेगा। आज की रात तलिस्मान का ये टुकड़ा अपनी पूरी ताकत के साथ तलिस्मान के दूसरे टुकड़े को अपनी तरफ खींचेगा। और मैंने वो मंत्र भी पता लगा लिया है, जिसे पढ़ने के बाद वो जादूगर खुद ब खुद तलिस्मान के दूसरे टुकड़े के साथ इस गुफा में आ जाएगा। और एक बार वो जादूगरिया पहुंच जाए, फिर मैं उसके गले से तलिस्मान के दूसरे टुकड़े को खींचकर उसका गला काट दूंगी। अगर 40 चोरों को खत्म करना ही मेरा मकसद है, तो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा दादी। दादी का कहना है कि मैं 40 चोरों का खात्मा करूंगा। आज अभ्यास की रात है, कहीं आज ही मेरा सामना 40 चोरों से तो नहीं होगा। अब सद्दाम तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, दारा गाजी। हमें दारा गाजी को ढूंढना होगा। हमें यकीन है कि वो भी हमें तलाश रहे होंगे। क्या बात है अली, अब तो बच्चे भी सही सलामत घर वापस आ गए हैं। किस बात को लेकर परेशान है आप? मेरा छोड़ो, अपनी बताओ, कोई तकलीफ है? अली ने हमेशा हमारी मदद की है, हमारा भरोसा जीता है। उन्हें हम अपनी सच्चाई के बारे में तो बता ही सकते हैं कि हम शहजादी हैं। एक उंगली चुनिए। और उससे क्या होगा, तकलीफ चली जाएगी? आप चुनिए तो सही, कोई सी भी है।
जीते और हम हारे, तो पहले हम आपको बताते हैं कि हम किस बात को लेकर परेशान हैं, फिर आपको हमें बताना होगा कि आपको क्या चीज परेशान कर रही है, ठीक है? इतने कम वक्त में गहरा नाता जुड़ गया है मर्जीना से, ऐसा लगता है जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हो। मर्जीना को मैं जादू वाली बात तो बता ही सकता हूं, ठीक है? तो कहो क्या परेशानी है? दरअसल अली, हमने आपको सब कुछ सच नहीं बताया अपने बारे में, कुछ चीजें छुपाई हैं आपसे। हमने कहा था कि हम एक शाही खानदान की लड़की हैं, लेकिन हमारा शाही खानदान बहुत बड़ा है अली। हाँ तो मैं तो बड़े बड़े पश्तूनी खानदानों को जानता हूँ, मेरा उठना बैठना है उनके साथ, सिर्फ वो सुल्तान के खानदान को छोड़ के। तुम कौन से बड़े शाही खानदान की लड़की हो अली? हम अली, अली फातिमा, फातिमा आके खोलो। फातिमा मर्जीना, मुझे फातिमा को घर छोड़ने जाना पड़ेगा, शाही सड़क से तो जा नहीं सकता, वहां के लोगों से 36 का आंकड़ा है, नकाब पहन कर जाता हूं। अचानक फातिमा को हो क्या गया? एकदम से यहाँ आकर बेहोश कैसे हो गई वो? पता नहीं किस मंसूबे को पूरा करने के लिए वो अली की मासूमियत का फायदा उठा रही है। हुजूर, क्या यही है वो लड़की? नहीं, ये वो लड़की नहीं है, वो तो अभी तक अंदर है, लेकिन उसे बाहर कैसे निकालना मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारा खास हथियार तैयार है ना? जी हुजूर, एकदम तैयार है। अली, फातिमा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। नहीं नहीं अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ बैठो ना। दरअसल आज घर पे कोई नहीं और अकेले मुझे बहुत डर लगता है, जब तुम आ गए हो ना तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए एक शरबत लाती हूँ। नहीं नहीं फातिमा, आज तुम्हारे लिए। फातिमा मत करो, मुझे बहुत देरी हो रही है। फातिमा अम्मी की इस दवा से अली अपने होश खो बैठेगा, फिर मैं उसे अपनी खूबसूरती की ऐसी अदा दिखाऊंगी कि मेरे अलावा वो किसी और लड़की को देखेगा भी नहीं। अबैस की रात ने अपना जादू करना शुरू कर दिया है।
अब वो जादूगर हमारे वश में है और बहुत जल्द वो खुद तलिस्मान का दूसरा टुकड़ा लेकर हमारे पास आएगा। Yeah, Sagatik.